दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित कॉलेज दौलतराम में आज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आज आपका एनुअल फंक्शन भी है और अलग अलग एकेडमिक में जिन्होंने एक्सक्लूसिव एक्सलेंस के रूप में बेहतरीन कार्य किया है, अपने टैलेंट को बताया है, उनको सम्मानित करने का अवसर भी है। मैं उन सब छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देश के अलग अलग राज्यों से विविध संस्कृति, विविध संस्कार, अलग अलग वेशभूषा, ये हमारी संस्कृति विचारधारा और हमारी अलग अलग संस्कृति, ये हमारी ताकत है। और हम सब देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से आने वाली छात्राएं जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से भी आई हैं, शहर से भी आई हैं, जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा पास की है और अपने उज्जवल भविष्य के साथ, अपने इस लक्ष्य के साथ कि मेरा क्या योगदान इस देश के लिए हो सकता है, निश्चित रूप से आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके सहयोग से, आपके विजन से देश को नई दिशा मिलेगी। 6 दशक से अधिक इस कॉलेज को हैं और 6 दशक के अंदर इस कॉलेज ने अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने कल्चर को, हमारी एक्टिविटीज को बहुत परिवर्तन किया है और इसी कारण से आज 5000 से ज्यादा छात्राएं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर यहां पर अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और मुझे आशा है आपके इस शिक्षण प्रशिक्षण सोच नए विचारों से आपको इस कॉलेज के कैंपस के अंदर सभी राज्यों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन के अंदर नए आयाम देगा और नए सोच और चिंतन को के माध्यम से अपने जीवन की दिशा तय करेगा। भारत में एक समय था जब महिला शिक्षा के लिए हमारे कई समाजसेवियों ने, शिक्षाविदों ने एक लंबा आंदोलन किया। महात्मा ज्योतिबाई फूले हो, सावित्री फूले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, राममान राय हो, इन सभी समाज सेवकों ने इस देश के अंदर महिला शिक्षा के लिए इस देश में आंदोलन करना पड़ा। सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं को समानता सम्मान के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और आज जब हम लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में देख रहे हैं
तो इन महिलाओं की, छात्राओं की, नौजवानों की सामर्थ्य, इनोवेशन, सोच के कारण आज भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। यह हमारे इन विद्यार्थियों की नई शक्ति है, नई ताकत है। हमने आजादी के आंदोलन के अंदर भी हमारी आंदोलन की लड़ाई को सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया, उसके बाद कई महिलाओं ने उस समय आजादी की लड़ाई के अंदर एक सामाजिक अलग जगाया, आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। और क्योंकि हमें हमारी विरासत और विरासत के साथ हमारी संस्कृति को याद करते हुए हमारी विरासत को हमें समझना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, और उसके बाद में आधुनिक भारत के बदलाव को किस तरीके से एक नया बदलाव शुरू होते जा रहा है। आज बदलाव की शक्ति हम देख रहे हैं। हमारी यही युवा महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही है, सीमाओं पर देश की रक्षा करने का काम कर रही है, अर्धसैनिक बल में काम कर रही है, रेल चलाने का सबसे काम, और इस एशिया के अंदर सबसे पहले महिला रेल चलाने का जो सपना था वो भी हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया। एक इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हम जब देखते हैं तो एक नए बदलाव को हम देख रहे हैं, और उस नए बदलाव में अगर सबसे बड़ी ताकत हमारी है तो हमारी महिलाएं हैं, हमारी छात्र, हमारी नौजवान हैं। आप कोई सा भी क्षेत्र ले लें, आज सामाजिक क्षेत्र ले लें, विज्ञान का क्षेत्र ले लें, टेक्नोलॉजी का ले लें, प्रोफेशनल में डॉक्टर ले लें, सीए ले लें, आईआईटी ले लें, विज्ञान में ले लें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में आज हमारी महिलाएं, नौजवान, छात्राएं नेतृत्व नहीं कर रही। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जो मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं कि लोकसभा के अंदर जब प्रशासनिक सेवा के चुने हुए नई अधिकारी आते हैं तो उन अधिकारियों के अंदर 50% से ज्यादा महिलाएं रहती हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर हो, चाहे अन्य यूपीएससी के एग्जाम में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे विज्ञान टेक्नोलॉजी के रूप में हो। और उन 50% महिलाओं में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से भी बड़ी संख्या के अंदर हमारी महिलाएं हर सेक्टर के अंदर नेतृत्व कर रही हैं। मैं अभी मैडम सविता जी से जिक्र कर रहा था कि संसद के अंदर जब युवा संसद होती है वहां डिबेट के लिए प्रदेश की अलग अलग छात्र छात्राएं आती हैं, तो उसके अंदर डिबेट के अंदर देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, भावी बदलते भारत के परिप्रेक्ष्य में जब अपने विचारों को रखती है तो उस युवा संसद में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर कम से कम 2 महिलाएं रहती हैं। तो महिलाओं का सोच जो चिंतन है वो देश के लोकतंत्र के लिए भी है कि किस तरीके से संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश के अंदर व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी सोच के साथ महिलाएं राजनीति क्षेत्र के अंदर भी आगे आ रही हैं। कोई समय था जब हम 15 महिलाएं हमारी संसद के अंदर हुआ करती थी,
आज 115 महिलाएं संसद के अंदर हैं। समय बदलता जा रहा है, हर बार महिला सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है, राज्य विधानसभाओं में संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं के अंदर 14 लाख से ज्यादा महिलाएं उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से गांव शहर में बदलाव का वाहक के रूप में काम कर रही है। और कई गांव में आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सब कुछ छोड़ के साथ उस गांव के अंदर रहकर सरपंच के रूप में उस गांव में बदलाव का काम कर रही है। आपने कई कहानियां पढ़ी होगी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो बड़ा बदलाव आया, उस बड़े बदलाव के अंदर भी हमारी युवा महिलाओं का योगदान है, जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए कीर्तिमान देने का काम किया। आप जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उन वैज्ञानिक आविष्कारों की हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे जो नया कुछ भी टेक्नोलॉजी विज्ञान में परिवर्तन हुआ है, वह हमारी युवा महिलाओं ने किया है। यह 75 वर्ष की यात्रा है। एक समय था जब महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ता था, एक समय था जो समानता और न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता था, एक समान समय था जो महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन करना पड़ता था, और आज इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये बदलाव देख रहे हैं देश के अंदर, और ये बदलाव का समय अब आ गया है। हम कहते थे एक समय में, इफ यू एजुकेटेड वुमेन यू एजुकेटेड ए हाउस होल्ड, पर आज समय आ गया है जब हम बोल रहे हैं इफ यू एजुकेटेड ए वुमेन यू लीड एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन। कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही, और मैं जो बदलाव देख रहा हूं, मुझे आशा है कि जब 75 वर्ष के बाद जब 100 साल की हमारी यात्रा होगी, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मैदान से आह्वान किया कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, उस 2047 के पहले इस भारत को विकसित भारत के अंदर यह योगदान करेंगी, तो मेरी देश की छात्राएं युवाएं ही करेंगी। मैं कई बार देखता हूं कि अभी भी कोई सेक्टर के अंदर 50% से ज्यादा कोई सा भी एग्जाम आप उठाकर देख लो, चाहे यूपीएससी का देख लो, स्टेट का एग्जाम देख लो, मेडिकल का देख लो, आईआईटी का देख लो, सीए का देख लो, अनप्रोफेशनल कोर्सेज का देख लो, कोई कोर्सेज ऐसा नहीं जिसमें 50% से ऊपर महिलाएं अभी नेतृत्व तो नहीं कर रही। ये 75 वर्ष की यात्रा है जहां आज भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, जहां आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्कूल और कॉलेजों की कमी है, जहां किलोमीटर दूर जाकर महिलाओं को बच्चियों को साइकिल पर स्कूटी पर मैं देखता हूं गांव के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाकर अध्ययन करने का काम करती है। जो एजुकेशन का विस्तार भारत में बढ़ रहा है, जो डिजिटल नई क्रांति आ रही है भारत के अंदर, जिस तरीके से डिजिटल नेटवर्क भारत के गांव में पहुंच रहा है, आने वाले समय के अंदर हमारी गांव में बैठी हुआ टैलेंट छात्राएं इस डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से देश दुनिया की पढ़ाई कर नेतृत्व करने का काम करेगी। लेकिन इन सब में हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आप दिल्ली की प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती हैं,
हमें अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है, हम महिला शिक्षा के अंदर समानता और सम्मान के नए दौर को लाना है, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि मैं जहां रहती हूं मेरे आसपास कोई ऐसी बच्ची तो नहीं जो स्कूल नहीं जाती, जिस इलाके में रहती हूं कोई कच्ची बस्ती है, कोई गरीब व्यक्ति रहते हैं, हम अपनी पढ़ाई के साथ महीने में 3 दिन उन कच्ची बस्तियों में, उन क्षेत्रों के अंदर जहां अभी भी शिक्षा का अभाव है, जहां हमें शिक्षा के बदलाव का नया दौर शुरू करना है, उसमें हम जहां रहते हैं उस जिले के अंदर, उस गांव के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी हमारा एक कहीं ना कहीं विषय होना चाहिए कि मैं एक कच्ची बस्ती को गोद लेकर उसमें एक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का काम करूं। और ये सब परिवर्तन होता है शिक्षा से। जो कुछ भी हम 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देखा, जहां जहां महिला शिक्षा बढ़ती गई, वहां वहां बदलाव का युग शुरू हो गया। और मुझे विश्वास है भारत की नौजवान महिलाओं पर, विद्यार्थियों पर, उनके टैलेंट पर, उनके सोच पर, उनके चिंतन पर, उनके इनोवेशन पर, उनकी शिक्षा की अद्भुत क्षमता में कि हम दुनिया के हर सेक्टर की चुनौतियों का समाधान इन कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकालने का काम करें। और इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम आने वाले समय के अंदर जो कॉलेज है, हमारे विश्वविद्यालय के कैंपस है, वह शिक्षा के साथ इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर बनेंगे और हर दुनिया की चुनौतियों का समाधान इन कॉलेज और विश्वविद्यालय से हमारी छात्राएं निकालेगी। यह हमारी बौद्धिक क्षमता का युग शुरू हो चुका है। मैं जब दुनिया के बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूं कि आईआईटी के अंदर यहां कौन नेतृत्व कर रहा है, तो उन्होंने कहा भारत का नौजवान। मेडिकल का डॉक्टर कौन है कि भारत का, सीए प्रोफेशनल कौन है भारत का, विज्ञान टेक्नोलॉजी में कौन है भारत का, इस बड़ी कंपनियों के सीईओ कौन है भारत का। अब दुनिया के अंदर भारत की ये छात्राएं, जब मैं कनाडा गया तो मैंने देखा, मैं वहां के एजुकेशन के अंदर मिला तो वहां की बच्चियां पढ़ भी रही और काम भी कर रही है। कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठित परिवार की बच्चियां हो, पढ़ने के साथ काम करके अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर रही है। यह टैलेंट मैंने दुनिया के अंदर अधिकतम विश्वविद्यालयों के अंदर देखा। मैं मेक्सिको की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया और मेक्सिको की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पूछा कि यहां सबसे बेहतर वैज्ञानिक कौन हुए थे, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान के हुए थे जो गदर आंदोलन के नेता थे, जो जहाज में बैठकर महीनों तक होने के बाद कैलिफोर्निया के बाद मेक्सिको में आए और जिनकी मूर्ति का मैंने अनावरण किया, तो मुझे गर्व से लगा कि भारत के वैज्ञानिक ने उस मेक्सिको के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर परिवर्तन किया तो भारत का वैज्ञानिक उस समय भी। और इसीलिए मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि हम इस बदलते भारत के अंदर भागीदारी नहीं, हम नेतृत्व करेंगे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यही हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि देश और दुनिया के अंदर हर सेक्टर के अंदर भारत की छात्राएं, युवा नेतृत्व करें। इस सपने को जब हम पूरा होते देखेंगे तो बदलते भारत की तस्वीर दुनिया में दिखेगी और एक दिन दुनिया के अंदर भारत की छात्राएं नेतृत्व करेगी। आप सबको, आपके अलग अलग मैंने भी टैलेंट देखा, मैंने मैडम से कहा कि ये जो कल्चर इवेंट है ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें कहा प्रोफेशनल से भी बेटर हैं जो देश और दुनिया के अंदर जाते हैं। मैंने पेंटिंग देखी,
मैंने फोटोग्राफी सेक्शन देखा, ये टैलेंट देखकर हमें गर्व होता है कि भारत का कैसा टैलेंट है, और इस टैलेंट की बौद्धिक क्षमता के कारण ही आज दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत तरक्की करेगा, विकास करेगा, नए आयाम को छुएगा। तो आप सबके कारण, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारण, आपके नए सोच चिंतन इनोवेशन के कारण, और ये जिम्मेदारी आपकी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।